नमस्कार जी आठ जुलाई को कोर्स शुरू होने वाला है ये बैच थ्री है एक बैच हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका हुआ है और दूसरा बैच ऑनगोइंग है तीसरा बैच ये शुरू होने जा रहा है कुछ कॉमन क्वेरीज थी अभी काफ़ी एडमिशन हो चुकी हैं और लिमिटेड सी सीट हमारे पास बची हैं और बहुत ज़्यादा रश मैंने इकट्ठा नहीं किया नाम का भी करता हूँ लिमिटेड सा रश है और वो बहुत जिज्ञासा जिनको एस्ट्रोलॉजी की है ये सीट्स उनको दी गई हैं बेसिकली अगर आपको भी नींद डिस्टर्ब करती है रात को और आपको लगता है कि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है दिन रात आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी चल रही है ग्रह चल रहे हैं सीखना चल रहा है तो ये कोर्स आपके लिए है कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपने पूछे हैं सोशल मीडिया के थ्रू टेलीफोन के थ्रू मेल्स के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू तो उसका मैं आंसर आपको यहाँ पे दे दूँ कि एक तो ये कोर्स टीच कौन करेगा जी हाँ ये कोर्स मैं ही टीच करूंगा कोई आचार्य या कोई टीचर अलग से टीच नहीं करेगा ये कोर्स मैं ही टीच करूँगा पहली बात दूसरा ये अप्रॉक्सीमेट सिक्स मंथ्स का एक कोर्स होगा जिसके कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी और कहीं भी आप प्रोफेशनली सेटल होना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में वहाँ बैठ के अपना ये प्रैक्टिस को कर सकते हैं दूसरी बात प्रोफेशनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है और लोग इसके लिए जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए मुझे अपनी किसी भी तरह से मैं फ्री हो जाऊँ और मैं दुनिया में अपना एक नाम और एक मुकाम हासिल कर सकूँ ये कोर्स उन लोगों लो, लो के लिए ये लोग जो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान हैं उनके लिए भी कोर्स है क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा कोर्स है ज्योतिष का कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है बेसिकली कि आपको फ्रीडम देता है फ्रीडम क्योंकि आप एक छोटे से कारोबारी की कुंडली भी पढ़ रहे हो और एक बहुत बड़े उद्योगपति की कुंडली भी आप, आपको पढ़ने का मौका मिलता है छोटे से छोटा इंसान बड़े से बड़ा इंसान आपके पास पहुंचता है कोई बीमारी के लिए पहुंचता है कोई पैसे के लिए पहुंचता है कोई करियर के लिए पहुंचता है कोई किसी चीज़ के लिए पहुँचता हो किसी चीज़ के लिए पहुंचता है तो हर इंसान के साथ मिलने का मौका आपको यहाँ मिलता है तो एक आपको आइडेंटिटी मिलती है सबसे जरूरी बात कि मैंने आज से चार साल पहले एक प्रोडिक्शन की थी मुझे डेट्स तो नहीं याद बट मुझे याद है कि मैंने एक चीज़ बोली थी जहाँ मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था कि आने वाले समय में ज्योतिष की बहुत महत्ता हो जाएगी और सरकार को भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सर्टिफाइड करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन सरकार वाला जो प्रोडक्शन है वो आने वाले समय में जरूर होगा कि जब सरकार भी इसके ऊपर फोकस करेगी क्योंकि अभी क्या हुआ है अभी कॉरपोरेट कंपनीज ने इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है कंपनीज प्रॉपर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इसके अंदर अपना बिजनेस जो है वो कर रही हैं आपने देखे होंगे बहुत सारी एप्स हैं जो लाइव ज्योतिष की सर्विस दे रही हैं तो उसमें आपका चयन होना उसमें जॉब मिलना क्योंकि तो इसका स्कोप आगे बहुत बढ़ने वाला है जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्शन होती है जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपसे आपको कुछ दे के कुछ डेट ऑफ बर्थ दे के या किस तरह कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसके ऊपर आपका चयन होता है और जितनी अच्छी प्रोडक्शन हो वैसा ही उनको आपको उसका प्राइज मिलता है जो कि आम ट्रेंड चल रहा है हालांकि उस ऐप के लोग भी मेरे से आके इसमें एक दो सीटें ऐसी भी हैं जो लोग जिन्होंने जो उस ऐप के अंदर काम कर रहे हैं और लेकिन उनको और सीखना है गहनता से सीखना है तो वो भी इस कोर्स में एनरोल हुए हैं तो ये आप सबके लिए कोर्स है क्योंकि आने वाले टाइम पे ये कंपनीज हायरिंग करेंगी आप घर बैठ के अपना काम के साथ साथ अगर आप लेडी हैं हाउस वाइफ हैं तो काम के साथ घर के काम के साथ साथ अगर आप बाहर भी काम करते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए क्योंकि कंपनीज आगे जाके हायरिंग करेंगी और आपको मौका मिलेगा आपका करियर आगे जाके स्मूथ हो जाएगा तो ये कोर्स सभी के लिए है उनके लिए है जो कुछ दुनिया में जिंदगी में अपने लिए लोगों के लिए करना चाहते हैं तो ये कुछ कॉमन चीजें थी सर्टिफिकेशन इसमें है सिक्स मंथ्स का कोर्स है टीचिंग में इसमें मैं करूंगा और ये वीकली क्लासेस हुआ करेंगी लेट्स से संडे या सरडे क्लासेस हुआ करेंगी और ये ऑनलाइन होंगी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अटैच हो सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं मेल आई जो चल रहे हैं वहां पर आप अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन इसकी जो लास्ट डेट दे, है ऑलमोस्ट बहुत नजदीक है और एटथ ऑफ जुलाई को हुई हमारा बैच शुरू हो जाएगा सो so, आज का बहुत जरूरी टॉपिक क्योंकि लोग राहु से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं और राहू इकलौता एक, एक ऐसा ग्रह है जो बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ छीनता भी है बिकॉज इसके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है राहु आपके कुंडली के अंदर पहले भाव में कैसा बिहेव करेगा सेकंड भाव में कैसा बिहेव करेगा ये डिस्कशन उसके ऊपर है आज ये राहु सीरीज़ है जो पहले भाव से लेके बारह भाव तक का सफर करेंगे और राहु आपके पूरे भाव में पूरी कुंडली में किस भाव में बैठ के कैसा परफॉर्म करेगा ये आपको जानने का यहाँ पे मौका मिलेगा राहु को आप अपने जहाँ आपका राहू बैठा हुआ है कुंडली के अंदर आप अपने से रिलेट करके देखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ कैसे मैच करता है क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई मैजिक नहीं है ये सिर्फ एक नॉलेज है ये एक इन्फॉर्मेशन है ये एक इतिहास भी है और मिथिहास भी है तो वेदों से ज्योतिष वेदों से बना है और ये जो राहु की मैं आपको प्रोडक्शन आज देने जा रहा हूँ ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर ही बेस्ड है सो so, ये सीरीज आपके लिए है आप इसको देखिएगा समझिएगा इसको एन्जॉय कीजिएगा अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आज बारी है राहू की लगन के अंदर किस तरह का बिहेव बच्चा नहीं चाहिए कैसे आ गया जरूरत नहीं थी अब आ गया तो क्या करें लेकिन चाहिए नहीं था इसकी जरूरत क्या थी जी हाँ ये राहु पहले भाव का प्रडिक्शन है राहु पहले भाव में जिस इंसान को मिला है उस इंसान को एक तो अनवांटेड का टैग लग जाता है पैदा होने से पहले ही राहु जब पहले भाव में आने वाला होता है बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घर के अंदर पहले ही उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं घर के अंदर बीमारियां आना तकलीफ आनी मार्केट से पैसा उठाना पड़ना उधार बढ़ जाना उधार लेना बार बार लेना पड़ना राहु इट मीन्स कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो राहु लगन में लेके पैदा हो रहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी ये क्यों आ गया अनवॉन्टेड चाइल्ड फिर भी माँ कहती है जरूरत नहीं थी बाप कहते हैं क्यों आ गया लेकिन फिर भी ये इतना जिद्दी है ये आके ही रहता है ये बच्चा आके ही रहता है राहु लगन में जब लेके पैदा होता है और इतना इजी बर्थ नहीं है इसका इतना आसानी से पैदा नहीं होता कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बहुत सारे अमरिकल कोल जो है वो गले पे लिपटी मिलेगी डॉक्टर जब कहे कि बहुत रिस्क है बच्चे के गर्दन में अमरिकल कोल जो है वो डबल टाइम्स रैप हो चुकी हुई है इट मीन्स राहु लगन में लेके बच्चा पैदा हो रहा है क्योंकि आना इतना आसान नहीं है ये अनवांटेड मैं क्यों कह रहा हूँ बिकॉज ये पैदा इसलिए होता है क्योंकि इसका कुछ पुराने जन्म का पेंडिंग कुछ रह जाता है उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये इंसान इस इन दुनिया में पैदा होता है हो सकता है उसकी खुद की पेंडेंसी हो किसी चीज़ की उसके माँ बाप की हो समाज के प्रति हो कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई होती हैं इसलिए राहू लगन में मिलता है जब राहु लगन में मिलता है इस परिवार के अंदर एक खूब हू हुँ ऐसा बच्चा जो कि अपनी पूरी उम्र नहीं भोग चुका होता वो इंसान ज़िंदगी से चला जाता है दस साल बारह साल पंद्रह साल छः साल पाँच साल जब ऐसी डेथ कोई फैमिली में होती है तो इसी परिवार के अंदर इसी डीएनए के अंदर एक बच्चा पैदा होता है जब राहु लगन में आता है और वो बच्चा हुब हु उस इंसान से उसकी हरकतें उसकी बातचीत करने का तरीका उसकी शक्ल आपको मैच कर अगर आपने लिनेज देखा है तो आपको मैच करते हुए दिखेगी इट मीन्स कि यह बच्चा वही वो आया है जो बहुत साल समय पहले सालों साल पहले जा चुका था चीजें अधूरी थी उस अधूरी चीजों को खत्म करने के लिए राहु लगन में लेके इंसान पैदा होता है राहु लगन के अंदर जब मिला इट मीन्स कि ये कुछ ऐसा मिशन लेके आया है जो कंप्लीट नहीं हुआ था और इस समय वो आप जाके वो इसको कंप्लीट करेगा वो किसी के हक में भी हो सकता है समाज के हक में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी आवाज़ उठाना चाहता था नहीं उठा सका बेसिकली राहू को ना इलिसिट प्लैनेट कहा गया क्योंकि ये आवाज़ उठाने वाला ग्रह है पहले समय में क्या होता था कि राजा अपने जासूसों को प्रजा में छोड़ देते थे और प्रजा में छोड़ के उस इंसान को ढूंढा जाता था कि जो इंसान बहुत समझदार हो क्योंकि समझदार इंसान राजा को नहीं चाहिए होता था समझदारी सिस्टम पलटने का हिम्मत रखती है सिस्टम को पलट देती है ज़्यादा समझदारी परिवर्तन ले आती है जो जहां सेट है उसको चेंज करने के लिए ज़्यादा समझदारी जो है वो परिवर्तन लाने का काम करती है तो राजा क्या करते थे जासूस छोड़ते थे और उसको पकड़ के उसको जो भी उसको सजा देनी या जो भी उसको करना वो वहां से वैनिश कर देते थे जितने भी लोग प्रोमिनेंट हुए हैं जो लोग फाइट करना जानते हैं जो सिस्टम को भेदना जानते हैं कि हम अपने हक के लिए फाइट करेंगे एक सिस्टम तय कर दिया मान लीजिए एक सरकार ने एक सिस्टम तय कर दिया अब उस सिस्टम के अंदर एक कमी है हमारी कम्युनिटी को क्यों छोड़ा गया तो वो उस कम्युनिटी को लेके जो मशाल लेके आगे बढ़ेगा वो मशाल लेके आगे बढ़ने वाला इंसान का राहुल लगन में मिलेगा सिस्टम को चेंज करने वाला इंसान का राहु आपको लगन में मिलेगा राहु राहुल इसलिए कहा गया क्योंकि वह सरकार के काम को भेद रहा है या एक सिस्टम को भेद रहा है वो सिस्टम को एक वहाँ से रास्ता निकाल रहा है कि यहाँ से मेरे लिए भी कुछ निकल के आ सकता है छोटी सी बात है जब मंथन हुआ और सभी देवताओं को जब वितरण किया गया अमृत का तो इन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए हमने भी तो उतनी मेहनत की है हमारे भी तो पसीने बहे हैं हमें भी कुछ दिया जाए हमें क्यों नहीं दिया गया तो हमारे लिए भी कुछ किया जाए उस टाइम पे सभी लोग जो देते थे वो साइड पे खड़े थे देव अमृत ले रहे थे तो दिमाग किसका काम किया राहु का राहु के पास अपर पोर्शन है आप ध्यान से देखिएगा वो ये यह यहां तक का पोर्शन है गर्दन तक भी नहीं है सिर्फ ये वाला पोर्शन है गर्दन केतों के पास चलेगी तो जो दिमाग है वो राहू को मिल गया सिस्टम को भेजना कौन सी कमी से पकड़ के इस चीज को चेंज किया जा सकता है किस चीज को पकड़ूं और चेंज कर दू चणक नीति राहू के अधीन ही आती है कि इतना दिमाग सिस्टम को पलटने का दिमाग चीजों को पलटने का दिमाग एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर देना इट मींस राहु लगन में ऐसे इंसान के जो लोग ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस की गलतियां तक निकाल देते हैं और गलतियां भी सही होती हैं वो लूप होल्स जो वो निकाल देते हैं इट मींस इनका राहु प्रोमेंट है और लगन के अंदर है राहु फोकस्ड होके चीजों को लेने का कारक है फोकस्ड होके आपकी इंटायर लाइफ वहां निकल रही है जहां आपका राहुल एनर्जी है जहां आपके राहु कुंडली के अंदर पूरे भाव में बैठा हुआ है वहां आपका फोकस है ध्यान लगाइए ध्यान से नहीं सोचेगा कि आप चाहते क्या जिंदगी में करना और जब आप जो आप सोच रहे होंगे वहां आपका कुंडली में राहू आपको मिलेगा आप उसी के बारे में सोच रहे होंगे कि आपको कुछ करना है उस घर को लेकर दसवें घर में राहू मान लीजिए काम काम ही पूजा है और पूजा ही काम है काम सबसे पहले सब कुछ बाद में तो एंटायर लाइफ कहां निकल जाती है काम में निकल जाती है ज़िंदगी पूरी काम में निकल जाती है वेरी मच सीरियस वेरी मच फोकस्ड कि मुझे काम में आगे निकलना है बड़ा सा बड़ा सिस्टम खड़ा करना है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन को आगे ले जाके और सब चीज़ें सेकेंडरी हैं लेकिन फोकस काम के ऊपर है राहू इन लग्न द बोल्ड पर्सन द हाई हेडेड पर्सन इन सोसाइटी ऐसे लोग बहुत हाई हेडेड रहते हैं बड़े बोल्ड रहते हैं तपाक तो से चीज़ को बोल देना बिना सोचे समझे बोल देना जो पढ़ा लिखा होगा वो सोच के बोलेगा लेकिन पता से बोल देगा लेकिन जो अनपढ़ होगा वो तो बिल्कुल ही ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा बोल देगा राहुल लगन में लेके इंसान ऐसा पैसा पैदा होता है जो इंसान बोलते वक्त सोचेगा तक नहीं बेसिकली इसको बदतमीज बचावी कहा गया है क्योंकि बोलना है सिर्फ और जो मन में आया वो बोल देना है निडर किसी का डर नहीं किसी चीज का डर नहीं कोई लिमिटेशंस नहीं राहु याद रखे लिमिट्स ब्रेकर है केतु का एक दायरा है राहु कभी भी झकता नहीं है घबराता नहीं है डरता नहीं है केतु की बात की जाए ना केतु आइसोलेट रहता है शांति से पड़ा हुआ जहां केतु कुंडली में बैठा हुआ है वहां आपको शांति चाहिए वहां पर आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है लेकिन राहु जहां पे है लगन में राहु इंसान कहता है कि मैं कहीं दिखूं मेरी आइडेंटिटी हो मेरी पहचान हो मैं हर जगह दिखूं ऐसे बच्चे बहुत बोल्ड नो स्टेज स्टेजफेयर नो कैमरा कॉन्शियस कैमरे के कई लोग कैमरे के आगे आने से डरते हैं झगते हैं जब कैमरा सामने आता है उनका मुंह लाल हो जाएगा पसीने छोड़ने छोड़ जाते हैं कि बोलूं तो बोलूं क्या कॉन्शियस कैमरा कॉन्शियस वो केतु लगन में राहुल लगन में कोई कैमरा कॉन्शियसनेस नहीं है स्टेज फेयर कोई नहीं है ए, इतने बोल्ड होते हैं कि अब छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो आप यकीन मानिए बच्चे को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए बच्चा स्टेज पर तपाक से कुछ भी बोल देता है उसको एक टॉपिक दे दिया जाए वो टॉपिक के ऊपर बोल देगा क्योंकि बचपन में स्टेज फेयर नहीं है जो राहुल लगन में है देखना चाहता है उससे इंसान आइडेंटिटी चाहिए अपनी पहचान चाहिए राहुल लगन राहु जब लगन के अंदर होगा तो सूर्य के और चंद्रमा के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं जितने भी खासियत आपको मिलनी है इसके ग्रहों की वजह से इन दो ग्रहों की वजह से वो निष्फल हो जाती है राहुल लगन में यानी कि राहु को अपर पोर्शन मिला अब पिता के लिए भारी बॉस के लिए बहुत भारी मतलब कहने का कि पिता के काम को डाउन करना और बॉस जहां काम करना उस बॉस को कि इंसल्ट करवाना राहुल लग्न राहुल लग्न के अंदर पता है बच्चों के साथ नहीं बनने वाली और बच्चों का बोझ बिना किसी मतलब के ढोना ही पड़ेगा और सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा और बच्चों से बनेगी नहीं राहुल लग्न में है बच्चों से नहीं बन पाएगी राहु की नौवीं दृष्टि पिता के भाव जा रही है राहु की पंचम दृष्टि बच्चों के भाव जा रही है तो जब कहते हैं ना बहुत सारे एस्ट्रोल के बोल देते हैं कि ये बच्चा बहुत भारी है पिता के लिए भारी है माँ के लिए भारी है राहु लगन के अंदर पिता के चलते हुए काम में डाउनफॉल आ जाना जब ऐसा बच्चा कंसीव होता है तो पिता का काम डाउन होना शुरू हो जाता है इतना सालों से काम चलता आ रहा था बहुत अच्छा चलता आ रहा था जैसे ही कंसीव हुआ ये बहुत सारे केसेस हैं बहुत सारे केसेस जिसमें बच्चा पैदा होने से पहले काम डाउन होना शुरू हो जाता है राहु लगन में इस इंसान को समाज में दिखना होता है क्योंकि ये इसका मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये ना काम कोई अधूरा काम प्रीवियस जन्म का इस जन्म में पूरे करने आए हैं तो ये समाज की आवाज़ बनते हैं घर के लिए चाहे जो मर्जी हो पिता कहें ये घर से बाहर रहे अच्छा है माँ कहें घर से बाहर रहे तो शांति रहती है घर पे ना ही आए तो अच्छी बात है इसको तो बाहर भेज दो कहीं पढ़ने के लिए तो शांति है यानी कि राहु लगन में और सिस्टम के लिए आवाज़ बनते हैं जिसकी कोई ना सुने उनकी ये सुने आवाज़ पहुंचाना किसी तक बहुत आसान नहीं होता लेकिन ये आवाज़ बनते हैं राहुल लगन में लेके पैदा होते हैं जब ये आवाज़ बनते हैं और किसी हल्के इंसान की किसी गरीब इंसान की जो जिसकी आवाज़ को सुनता नहीं है उसकी आवाज़ ये लोग बन के आगे तक आवाज़ पहुंचाते हैं चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे वो सरकारी हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो जो थोड़ा हाई हेटेड रहना चाहते हैं थोड़ा आगे लग लगना चाहते हैं इसीलिए पॉलिटिशियंस का राहु प्रोमिनट होना बड़ा जरूरी है बिकॉज विदाउट राहु पॉलिटिशियन बनना बहुत मुश्किल है राहु एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्लानेट है आपके मुंह पे आपका किसी के मुंह पे किसका किसी के मुंह पे किसका तो पॉलिटिशियंस क्या बेसिकली क्या करते हैं यही करते हैं आपके पास आई जब वोट मांगने तो सब आपका है जब आप उनके पास गए जब काम निकल गया तो फिर वो उनका है फिर आपका नहीं है अगर पॉलिटिशियन बनना है अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो आपका राहु प्रोमिनेंट चाहिए बहुत प्रोमिनेंट चाहिए राहु लगन के अंदर सारी जिंदगी अच्छे काम करने की वजह से गालियां मिलती हैं गालियां क्यों पड़ी अच्छे काम की वजह से और इनको मिलती भी गालियां सिर्फ अच्छे काम की वजह से ही डिप्लोमेसी को भेदना एज ए पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में जाके सिस्टम को बदलना मार्केट के चलन को बदल देना लगन में राहू मिलेगा राहु लगन के अंदर मिलेगा फर्स्ट हाउस राहु लगन में लेकिन बच्चा पैदा हुआ बच्चा ज़िद्दी होगा पहले तो आने से पहले जिद की कि मुझे तो आना ही आना है माँ को नहीं चाहिए पिता को नहीं चाहिए डजेंट मैटर मैं तो आऊँगा ही आऊँगा और वो आता है और ज़िंदगी भर स्वभाव भी जिद्दी रहता है कि मुझे तो बस अपनी वो चीज़ें पूरी करनी है आप ध्यान दीजिए प्रीवियस काम पेंडिंग है तो वो तो जैसे भी करके इंसान ने करने हैं और लगन का राहु ज़िद की कोई हद नहीं है हदें पार किसी भी तरीके से काम होना चाहिए चाहे बाय हुक और बाय क्रुक ऑन द टेबल या अंडर टेबल तरीका कोई भी हो लेकिन करना है डिपेंडिंग अपॉन द साइन मैं राहुल लगन की बात कर रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन द साइन इसकी प्रोडिक्शंस चेंज हो जाएंगी मेष में जो मैं बात कर रहा हूं वह मेष की बात कर रहा हूं ये मेष की बाय डिफॉल्ट पहला घर मंगल का है तो मैं मंगल की बात कर रहा हूँ राहुल लगन की बात कर रहा हूं मान लीजिए यहां पर तीन नंबर राशि हो तो किस तरह की प्रोडक्शन होंगी शोल्डर में पेन थर्ड हाउस शोल्डर में पेन आएगा या पैसे को लेके बहुत सारा कंसर्न रहेगा हालांकि वो थर्ड जो प्रोडिक्शन होगी राहु इन थर्ड हाउस तब बताऊंगा लेकिन जैसे जैसे साइन चेंज हो जाएंगे लगन में अगर साइन कुछ और आएगा तो उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी वो आप काफ़ी मेरे साथ सीखते रहते हैं आप जानते भी हैं आपने बहुत कुछ सीखा भी है तो आप अपनी प्रोडिक्शन हिसाब से चेंज कर सकते हैं हम राहु फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक चलेंगे पहले भाव से लेकर बारहवीं भाव तक बृहस्पति बनाता है सोना शनि ने बना दिया लोहा क्योंकि जब बात शनि की की जाती है तो बात की जाती है शूद्र की बात की जाती है लेबर क्लास की तो वो लोग सारी जिंदगी लेबर करते हैं उनकी ज़िंदगी निकल जाती है लबोरियस काम करते हुए निकल जाती है तो वो लोहा बना के रखते हैं और जो शुक्र है वो एक लस्टरी लाइफ लेता है एक बहुत लश्कर देता है आपकी लाइफ के अंदर राहु काम पूरे करने का कारक है प्रीवियस काम्स वह अब वो रह गया था वो करना है तो राहु आपको उस तरह का बिहेवियर देगा राहु लगन के अंदर स्पेशली राहु लगन के अंदर हो ऐसे इंसान ने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है और लोगों के लिए बहुत सिस्टम चेंज किया होता है लेकिन एंड में आके उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है कि मैंने इतना कुछ किया मुझे क्या मिला मेरे हिस्से क्या आया मैंने दुनिया को सुधार दिया दुनिया के लिए काम कर दिया मेरे को क्या मिला है? मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मिला बट ये एक नेचुरल योग है इसमें ये डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑफ द डाइम मिलती ही मिलती है केतु कभी सुनाता नहीं है केतु ने कर दिया ना केतु सुनाएगा नहीं लेकिन राहु लगन के अंदर इंसान करके सुनाता है क्योंकि उसको दिखना है उसको दिखाना है उसको प्रेंस में आना है लाइव नाइट में आना है तो वो दिखाता है वो सुनाता है बता बता के अपना बताएगा कि मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया मैं ना होता तो ये ना होता मेरी वजह से ये हुआ केतु उल्टा है केतु ने कर दिया भैया ठीक है हो गया मतलब हो गया लेकिन राहु का बिल्कुल उल्टा है राहु को राहु के अंदर डेविल है किस तरह का डेविल करके दिखाना मैंने किया मैं करके दिखाऊंगा ये मेरी वजह से होगा ये मेरी वजह से हुआ इस तरह की फीलिंग राहुल लगन के अंदर राहुल लगन के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है बहुत प्रोमिनेंट है राहु लगन के अंदर मिले क्योंकि ये एक नेचुरली मंगल का घर है पहले से ही गर्म है वहाँ राहु है ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर और सर से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं आपके वो सारी राहुल लगन की वजह से मिलती हैं इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने माइंड को शांत रखें योग करें मेडिटेशन करें हर वो एक्टिविटी करें जिससे दिमाग शांत होता है ऐसे लोगों को बीमारी सर से रिलेटेड होने की हमेशा प्रोमिनेंट जो हालात बने रहते हैं ऐसे लोगों को सर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी के होने के हालात हमेशा बने रहते हैं सर तलवार सिर पे लटकती रहती है क्योंकि एक तो मंगल का घर हाई एनर्जी गर्म ऊपर से राहु आ गया वैसे ही बहुत तीखा है राहु और मंगल का इकट्ठे होना का बैठने का मतलब आप समझिए क्या होता है कि जैसे मधुमक्खी काटती है ना मधुमक्खी काट के जो पेन होती है या आपको जब कोई गर्म गर्म चीज़ तीखी तीखी चीज़ आपके किसी बॉडी को टच कर दी जाए विद शार्पनेस वो जो पेन है तीखी पेन है वो राहु और मंगल है और राहु और मंगल जब आपके कुंडली के अंदर लगन में आ जाए और राहु लगन में हो खास करके क्योंकि मंगल का ये कारक प्लेस है घर है मंगल का तो वहाँ पे स्पेशली इस तरह की बीमारी होने के योग आसार बने रहते हैं सो so, ऐसे इंसान को अपनी एनर्जी को खास करके दिमाग की गर्मी को ठंडा रखना चाहिए सिंथेटिक चीज़ें कोई जो आप यूज़ करते हैं खास करके लेडीज़ सर को बालों को अपने संवारने के लिए बहुत सारी केमिकल्स यूज़ करती हैं सैलून में जाते हैं बहुत कुछ यूज़ करते हैं प्रेसिंग करते हैं प्रेसिंग मतलब कि गर्म तो वो प्रेस ऑलरेडी बहुत गर्म होती है तो आप सर में अगर वो चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको जाके जाके दिक्कत खड़ी करेगा हाई केमिकल्स uh, एसिड्स जो क्रीम्स जो शैम्पू जो आप अपने सर के लिए यूज़ करते हैं वो आप यूज़ मत कीजिए शास्त्रों में कहा गया है कि वैदिक ही वेद ही कहते हैं कि जब राहुल लगन में हो तो इंसान को गंगा जल से स्नान करना चाहिए दिमाग ठंडा रखना चाहिए पानी जब आप सर पे डालोगे गंगा जल सर पे डालोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा एक पीस मिलता है एक शांति मिलती है तो राहुल लगन में हो तो केमिकल्स एसिड्स आपको ऐसे जो शैम्पूज़ हैं ये यूज़ नहीं करने चाहिए आपके लिए नहीं बने हुए दिमाग शांत रखना बड़ा ज़रूरी है सो so, शांत रखेंगे तो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि कैंसरियस जो वायरस है जो ये बीमारी है ब्रेन के अंदर खास करके ये ये कॉम्बिनेशन देता है कैंसर बॉडी के किसी भी पोर्शन में हो राहु इन्वॉल्व जरूर होगा बीच में मैं बहुत सारी कुंडली ऐसी देखी हैं जिसमें राहु जब कैंसर हुआ तो उस पर्टिकुलर एरिया में राहु था लेकिन वो सर्टन एक योग होता है लगन का राहु बहुत गर्मी देता है मंगल की जगह है सो थोड़ा सा दिमाग शांत रखना चाहिए हाई हेडेड तो इंसान रहते रहता है लेकिन गर्मी दिमाग के अंदर अच्छी नहीं होती दूसरा राहु लगन के अंदर हो तो इंसान के बाल आपको बिखरे मिलेंगे सिस्टमाइज नहीं मिलेंगे कॉम नहीं की होगी अगर की भी होगी तब भी बाल निकले होंगे बाहर बाल थोड़े से बिखरे होते हैं वो एक इंडिकेशन क्रिएट कर रहा है कि राहुल लगन के अंदर है ब्रेन अशांत बहुत अशांत मिलेगा राहुल लगन का जब कोई इंसान सामने आके बैठता तो राहुल लगन में देखते ही समझ आता है कि इंसान का दिमाग शांत नहीं है बहुत अशांत है नींद ना आना हाई एनर्जी की वजह से नींद ना आना और थोड़ी सी नींद आना बाकी सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि तो एनर्जी बहुत हाई है मैं तो यहां तक कहता हूं कि इंसान को अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करनी चाहिए क्योंकि ये एनर्जी कॉम्बिनेशन जो बन रहा है लगन के अंदर ये अच्छा नहीं होता इसको कहीं ना कहीं ड्रेन करना बड़ा ज़रूरी है सो तो गंगा स्नान नहीं तो गंगा आपके घर में गंगा जल हमेशा होना चाहिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के सर पर डाला कीजिए ताकि वो उसका इम्पैक्ट जो है ख़त्म हो जाए आपका वो इम्पैक्ट बैलेंस हो जाए राहु केतु तो की शांति बिना सोचे समझे नहीं करवानी चाहिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राहु के उपाय बिना सोचे समझे बिना पूछे हुए नहीं करवानी चाहिए राहु शांति नहीं करवानी चाहिए क्योंकि राहु सिस्टम से लड़ने की ताकत देता है तो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई बार लड़ना पड़ता है तो जब लड़ाई करने के लिए एनर्जी नहीं होगी तो लड़ाई कैसे करेंगे आज आपके घर में बच्चा पैदा हुआ राहू लगन में लेके पैदा हुआ आपको लगा या किसी ने कह दिया कि आप राहु बच्चा राहु में लगन में लेके पैदा हो रहा है इसका इसको शादी करवा दीजिए जो बच्चे को एनर्जी मिलनी थी पूरी जिंदगी के लिए वो बच्चे को नहीं मिल पाएगी सिस्टम के साथ लड़ना लोगों के साथ लड़ना अपने हालातों के साथ लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बहुत ताकत चाहिए जब आप राहु शांत करवा देते हैं वो ताकत हिम्मत चली जाती है तो राहु के उपाय बिना सोचे समझे या किसी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना करने नहीं चाहिए राहु लगन में हर जगह दिखना हर जगह नोटिस में आना मैं लाइमलाइट में रहना चाहता हूँ ये राहू है राहू लगन में हो ऐसे इंसान को ज़मीन जायदाद के मसलों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए और बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आपको ज़मीन खरीदने जा रहे हो लगन मंगल का राहु वहां बैठा हुआ है मंगल यानी कि जमीन ज़मीन का जब आप सौदा करते हैं या जमीन का कोई काम करते हैं तो आपको केयरफुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इसमें धोखा मिल जाता है राहु धोखे का कारक भी है डिप्लोमेसी का कारक है धोखे का कारक तो बच के समझदारी से सारे कागज़ चेक कीजिए अगला पिछला सब पता करवाइए जमीन के मामले में खास करके थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए ज़रूरी है और ये इतना ज़रूरी है कि आपके साथ धोखा लिखना होना तय है सो जब भी जमीन खरीदें थोड़ा सा समझ के सारे अगले पिछले सारी चीज़ों को चेक करके प्रिसाइजली चेक करके बारीकी से चेक करके सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के अंदर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके होते हैं ज़मीन के वो सारे निकलवाइए निकलवा के चेक कीजिए फिर जाके सौदा कीजिए फिर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा राहुल लगन में ऐसे इंसान को गर्म एरिया में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर नेचुरली गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो ऐसे लोकेशन में ऐसे एरिया में नहीं रहना चाहिए यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती राहुल लगन में मंगल मगर अगर किसी गर्म सिटी में आप रहते हैं तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है आपको किसी ऐसी जगह रहना चाहिए जो कोल्ड एरिया हो ठंडा हो मैं तो यहाँ तक कहूँगा राहुल लगन में हो तो ऐसे इंसान को कैनेडा जैसी कंट्री में शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि ठंडी कंट्री है बर्फ़ पड़ती है कामयाबी कदम चुमेगी सो ये राहुल लगन के एक ब्रीफ एक आपको इंट्रोडक्शन दी है मैंने राहुल दूसरे घर में कैसा बिहेव करता है इस वीडियो को लेके इस सीरीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और आपको वेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि राहू सेकेंड हाउस में कैसा बिहेव करता है धन्यवाद